सो गाइस, दो ऐसे स्मार्टफोन जो कि यानी IQ 9 सीरीज एंड ओप्पो रेनो 7 सीरीज में सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड है उनको बाय करने की, एंड लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस है ना वो इन्हीं स्मार्टफोन पर इस टाइम टिका हुआ है एंड बना हुआ है, एंड काफ़ी सारे लोग इनके कंपैरिजन के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए IQ 9 SE एंड यहाँ पर ओप्पो रेनो 7 SE के बारे में डिटेल वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं इन दोनों को लड़ाने वाला हूँ, इनका कंपैरिजन करने वाला हूँ, एंड यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो गाइस, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए, बिकॉज वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड कमाल का होने वाला है, एंड यहाँ पर आपको आइडिया होने वाला है कि क्या हमें यहाँ पर ओप्पो के स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, IQ के स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। एंड ओप्पो वाले जो स्मार्टफोन बाय करते हैं ना वो तो ये यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होंगे, बट यहाँ पर IQ वाला स्मार्टफोन जो स्मार्टफोन लोग बाय करने वाले हो IQ 9 SE, वो ज़्यादा समझ से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे हैं बिकॉज उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो गाइस, शुरू करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले सेक्शन की ओर। तो गाइस, डिस्प्ले सेक्शन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो गाइस, डिस्प्ले में यहाँ पर सबसे पहले ओप्पो रेनो 7 SE में आपको 6.43 इंच का FHD प्लस आपको जो सुपर एमुलेट E3 पैनल देखने लिए मिल जाता है सैमसंग की तरफ से, यस। एंड यहाँ पर आपको 90 Hz की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है, एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है। ये तो हो गई ओप्पो की बात। बात करते हैं अब यहाँ पर IQ 9 SE की। तो IQ 9 SE में 6.62 इंच का FHD प्लस 8-bit एमुलेड 120 Hz की हाई रिफ्रेश रेट के साथ फेस अनलॉक एंड अंडर डिस्प्ले का सपोर्ट आपको इसमें देखने लिए मिल जाता है। तो गाइस, डिस्प्ले आपको इसमें IQ 9 SE में थोड़ा बड़ा देखने लिए मिलता है। उसी के साथ गाइस, यहाँ पर आपको 120 Hz की हाई रिफ्रेश रेट, क्योंकि जो ओप्पो रेनो 7 SE है ना उसमें 90 Hz की रिफ्रेश रेट देखने लिए मिल रही है, तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट में IQ 9 SE जीत जाता है। डिस्प्ले में IQ 9 की तरफ आप जा सकते हो, यस, IQ 9 SE आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो गाइस, ओप्पो रेनो 7 SE में आपको फ्रंट एंड रियर पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने लिए मिल जाता है। IQ 9 SE में फ्रंट पर पांडा एंड जो रियर पर एंटी ग्लेयर मेट ग्लास का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको जो IQ 9 SE है ना उसमें यहाँ पर आपको जो IQ की तरफ से यानी न्यू और लेटेस्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग जो आपको प्रोटेक्शन देखने लिए मिलते हैं ना वो प्रोवाइड की गई है। तो दोनों में आप यहाँ पर प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट में आपके लिए बेस्ट कोई सा भी स्मार्टफोन हो सकता है। तो दोनों में गाइस आपको प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट में कोई से स्मार्टफोन की तरफ आप जा सकते हो, दोनों स्मार्टफोन बेस्ट हैं। एंड डिज़ाइन तो यहाँ पर आपको दोनों का ही यहाँ पर आपको काफ़ी फ्लैगशिप देखने लिए मिल जाता है। कलर ऑप्शन की बात करें ना तो गाइस, जो ओप्पो रेनो 7 SE है ना वहाँ पर आपको जो दो कलर वेरियंट ब्लैक गोल्ड एंड जो IQ 9 SE है वहाँ पर आपको जो स्पेस फ्यूजन एंड यहाँ पर आपको सनसेट शेरा जो कि IQ 9 SE में वन ऑफ द बेस्ट एंड न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग आपको ये कलर ऑप्शन देखने लिए मिलते हैं। IQ ने क्या पता क्या सोच कर इन कलर को बनाया है, जो रियर पैनल पर इसको काफ़ी फ्लैगशिप आपको डिज़ाइन आपको इसमें प्रोवाइड करते हैं। ओप्पो की भी इतना नहीं है कि आपको प्रोवाइड करेंगे। बिल्ड एंड डिज़ाइन में आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, दोनों ही स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन की तरफ आप कोई से स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो परफॉर्मेंस के लिए बात करें ना तो गाइस, डायमेंसिटी 900 5G वाला प्रोसेसर आपको जो ओप्पो रेनो 7 एसी में देखने लिए मिलता है, जो 6nm फिनपैक टेक्नोलॉजी पर बना हुआ ऑक्टा कोर का एक 5G प्रोसेसर है। LPDDR4X का रैम टाइप एंड UFS 2.2 का लेटेस्ट स्टोरेज टाइप आपको ओप्पो रेनो 7 SE में देखने लिए मिलता है। तो यहाँ पर गाइस, 5G का सपोर्ट आपको देखने लिए मिल जाता है ओप्पो रेनो 7 SE में। एंड अब यहाँ पर बात कर लेते हैं IQ 9 SE की। तो IQ 9 SE में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 का 5G वाला प्रोसेसर आपको देखने लिए मिलता है, 5G वाला प्रोसेसर आपको देखने लिए मिलता है। एंड ये पुराना स्टॉक नहीं है कि वो हीट होता है, वो वाला स्टॉक IQ ने IQ 9 SE में यूज़ किया है। ये न्यू स्टॉक में जो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर आ रहा है ना वो यूज़ किया है एंड ऑप्टिमाइज अच्छी तरह से उसे किया है, हीट नहीं होगा। ये मैं आपको ये आपको बात बता देता हूँ। 5nm फिनपैक टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, यानी IQ 9 SE में यूज़ होने वाला ये कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर एंड 5G प्रोसेसर है। LPDDR5X का आपको रैम टाइप एंड UFS 3.1 का लेटेस्ट स्टोरेज टाइप। परफॉर्मेंस के लिए कोई स्मार्टफोन चाहिए यानी ओप्पो रेनो 7 SE एंड IQ 9 SE में, तो IQ 9 SE परफॉर्मेंस के लिए आपको टॉप नोच परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। वीडियो रेंडिंग कर लो, चाहे आप डे टू डे लाइफ में जो टास्क मान लो, एंड यहाँ पर आप चाहे इसमें गेमिंग ग्राफिक्स अच्छे जो फ्रेम पर खेल लो, दोनों ही डिपार्टमेंट में IQ 9 SE परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छा देखने लिए आपको मिलता है। कैमरा की तरफ बात करें तो गाइस, दोनों में ही आपको यहाँ पर जो
सेम कैमरा देखने लिए मिलता है। एंड ओप्पो रेनो 7 SE में आपको यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने लिए मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर देखने मिलता है। ऑल फिल्टर का ऑप्शन आपको ओप्पो रेनो 7 SE में देखने लिए मिल जाता है। ओप्पो के स्मार्टफोन आप जानते हो बर्बर के फिल्टर देखने लिए मिलते हैं ओप्पो की तरफ से, बूके इफेक्ट, पनोरमा एंड ढेर सारे ऑप्शन आपको कलर ऑप्शन उसमें देखने लिए मिलते हैं फिल्टर लगाने की। फ्रंट पर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैपर देखने लिए मिल जाता है। कोई यहाँ पर आपको सेंसर का सपोर्ट एंड OIS EIS को कुछ भी नहीं देखने मिलेगा यानी ओप्पो के स्मार्टफोन में। बात कर लेते हैं यहाँ पर IQ9 SE में, तो IQ9 SE में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप, जहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरे में सोनी IMX 598 वाला सेंसर देखने लिए मिल जाता है एंड वो भी OIS के साथ, यस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ देखने लिए मिलता है, जो कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में एंड यहाँ पर आपको वीडियो या फोटो कैप्चर करने में काफ़ी स्टेबल आपको वीडियो एंड फोटोज़ आपको प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पर आप 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने लिए मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने लिए मिल जाता है एंड जो आपको यहाँ पर सेंटर कंसोल कटआउट में जो सेल्फी स्नैपर प्रोवाइड किया जाता है ना, वो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर प्रोवाइड किया जाता है। एंड यहाँ पर आपको दोनों में ही रियर से 4K कर पाओगे एंड रियर से 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर पाओगे। तो गाइस कैमरा के डिपार्टमेंट में कोई सा स्मार्टफोन सेलेक्ट करते हो, अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, कैमरा के लिए कोई बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, तो आपको ओप्पो रेनो 7 SE एंड IQ9 SE में से IQ9 SE बेस्ट चॉइस हो सकता है, बिकॉज OIS एंड बेटर सोनी का सेंसर उसमें यूज़ किया गया है IQ की तरफ से। तो IQ9 आपको जो SE है ना वो काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ देखने लिए मिलता है। बैटरी सेक्शन की और बात करें तो गाइस दोनों में सेम जो बैटरी का साइज़ होने वाला है 4500 की, दोनों में सेम बैटरी देखने लिए मिलती है। डिफरेंट ओनली फास्ट चार्जिंग का है, जहां पर आपको जो IQ9 SE में 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है एंड यहां पर आपको ओप्पो रेनो 7 SE में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने लिए मिलता है। फास्ट चार्जिंग अगर आपको चाहिए तो 4500 एंड 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आप IQ9 SE की तरफ जाओ, वहाँ पर आपको बेटर ऑप्शन देखने मिलेगा। टाइप सी का पोर्ट ऑब्वियसली देखने मिलेगा, अदर सेंसर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर एंड ड्यूअल नैनो सिम दोनों में आपको देखने लिए मिलते हैं, आई मीन आप दो सिम कार्ड एक साथ लगा पाओगे। सो गाइस फाइनली मैंने आपको बता दिया कि किन किन कंडीशन में आपके लिए यानी ओप्पो रेनो 7 SE बेटर हो सकता है और किन किन कंडीशन में आपके लिए IQ9 SE जो बेटर चॉइस हो सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई सा भी स्मार्टफोन सेलेक्ट कर सकते हो, बाय करने का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अच्छे खासे ऑफर के साथ, वहाँ पर आप इन दोनों को बाय कर सकते हो। तो गाइस कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताना कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको बेस्ट लगा एंड आप किन यानी कौन से फीचर्स की सबसे ज़्यादा इन दोनों ही स्मार्टफोन में तलाश कर रहे हो एंड वो आपको किसी स्मार्टफोन देखने लिए मिला, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताना एंड किसी स्मार्टफोन को बाय करने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताना। एंड गाइस मैं बताऊँ तब तक गाइस ऑलवेज स्माइल।